मैं कब चला आ गया तरह से ये करी तरह से चला गया ग्लास कल करियो कर लगा दो चलो जी गुड मॉर्निंग क्या हाल है दोस्तों हां क्या मेरे हां सो ब्लॉग का बड़े बड़े दिए हां तो और भी काम था गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम बैक कैसे हैं आप लोग मैं विकी चेरी आपका दोस्त और आप देख रहे हैं जी विकी चेरी ब्लॉग्स आजीवा है मेरे साथ और ब्लॉगिंग करना चाहती है दोस्तों आज है साजा शायरी साजा और आज क्या होता है पहले तो जो शाम को शायरी आई थी वो सुबह सुबह ही घर से विदा कर देती है और उसमें भोग वगैरह प्रसाद जो लगता है वो हम खा लेते हैं सब कुछ और अभी गाँव के कुछ एक बच्चे आते हैं इकट्ठा होकर और वो जूब देते हैं दोस्तों घर घर आकर लगभग हर घर में जाते हैं गांव में वो और साथ में एक थैला लेकर जाते हैं क्योंकि जहां भी वो जूब देते हैं वहां कुछ ना कुछ उनको मिलता है जैसे हमारे यहां तो ऐसा है कि हम टॉफियां वगैरह देते हैं टॉफ़ी हो गई चॉकलेट हो गई और कुछ भी और बड़े बच्चे आते हैं उनको पैसे दे देते हैं और बस फिलहाल यही है ज़्यादा कुछ नहीं है तो अभी कुछ एक बच्चे आए थे लेकिन वो चले गए हैं जूब देकर अब जब अगली टोली आएगी बच्चों की फिर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ देखिए दोस्तों फूल कितने बढ़िया लगे हुए हैं चलिए दोस्तों मत्था टेक के आते हैं अंदर से जय हो मामा जय माम तारा जय हो धान धान टूटा इसका रात को एक मिला था वो बैठ के तू निकल लगाना मेकअप तू निकलना मेकअप नहीं मैं स्कूल है मैं आज और इसके भी करो थोड़ा सा मेकअप ओए करना मेकअप करना मेकअप थोड़ा सा मेकअप करना दे टॉफी टॉफी दे रिफा दे ना दे ओए गोरा ओ तैयार हो गया मेरा बाबा शर्मा आ गया शर्मा आ गया आ बच्चे छोटी छोटी टोलियों में आ रहे हैं आओ बाप पिसाना परे से हे राधा हे राधा हे राधा जहाँ जयकर इधर दे
तो दोस्तों वशिष्ठ में जूप देने के बाद हम आए हैं जगत सुख अपने ससुराल आया हूँ मैं पूरी फैमिली के साथ सब भी आए हैं नीचे वाले कमरे में बैठे हैं अभी। और दोस्तों आते आते बारिश भी ऐसी पड़ रही है ना क्या बताएं आपको, लेकिन जो मौसम है जो फ्रेशनेस है एयर में वाह कमाल की है, काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, बढ़िया सा लग रहा है। अरे यहाँ पर कुछ सेब हैं, देखिए इनका कलर देखिए आप, कुछ एक तो इतने काले हो गए हैं। शौहरी साजा लगभग पूरे हिमाचल में मनाया जाता है, लेकिन इसको मनाने का अलग अलग ढंग होता है, अपना अपने 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 स्टाइल से इसको मनाते हैं, लेकिन साजा हर हिमाचली मनाता है ये तो पक्की बात है। और मुझे लगता है पंजाब के कुछ एक हिस्सों में भी इसको मनाया जाता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन हमारे पहाड़ों में तो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, काफ़ी मतलब काफ़ी बच्चे भी अच्छी खासी रुचि लेते हैं इसको मनाने में। दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ दिखाता हूँ मैं आपको, ये रखा है देखो जी, ये क्या है कोई बता सकता है मुझे? तो ये है दोस्तों जॉब, जॉब यानी कि कुशा, कुशा कहते हैं इसको। तो इसको इसका कुछ निर्धारित टाइम होता है जब इसको ज़मीन से उखाड़ा जाता है और उसके बाद इसको मंत्रों के साथ इसको बनाया जाता है और फिर इसको पूजा पाठ में हम यूज़ करते हैं, जो कुशा होती है पूरा बना के, ये वो कुशा है। अभी इसको शायद सुखाने के लिए रखा है, सुखाते इसको है नहीं क्योंकि अगर ये सूख गया फिर बनाने में मुश्किल होता है, इसको बनाया भी जाता है ऐसे लपेट लपेट के ताकि ये सेफ रहे, उसके बाद सुखाया जाता है इसको। दोस्तों वहाँ पर धुंधियों की पहाड़ी पे मुझे बर्फ़ दिख रहा है, आपको दिख रहा है? एक मिनट, ये देखिए, और ये कल शाम को शायद या रात को पड़ी होगी, ताज़ी बर्फ़ पड़ी है जिसकी वजह से ठंड हो गई है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ घर के सामने ये घर है दोस्तों, ये देखिए इसके कितने बुरे हाल है, यहाँ कोई रहता नहीं है, जिस घर में कोई रहता नहीं है उसके ऐसे ही हाल हो जाते हैं। इसका पूरा का पूरा छत बैठ गया है, देखिए यहाँ से पूरे इस जगह पर ये बैठ चुका है। यहाँ पर पहले मेरे ससुराल का जो फैमिली है इनके कुलदेवता का मंदिर हुआ करता था छोटा सा, इसके जो ऊपर ऊपर वाले फ्लोर में, लेकिन ये टूटने से पहले उसको निकाल दिया गया था यहाँ से, उनको यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखा गया है इस वाले घर में। और इसका ये हाल, यहाँ पर तो क्या होगा, कुछ भी नहीं है, इसको करना चाहिए इनको कुछ ना कुछ इस घर का। तो गाइस हम पहुँचे हैं अभी माल रोड में और गुन्नू को शॉपिंग करनी है, गुन्नू को तो स्पेशली आई है ये देखिए मनाली माल रोड, इस बारिश में भी। फिर मिले ना मिले।